हेलो गाइस, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ईसीएस एस्टोनिया टी10 2024 के 39वें मैच और आज के दिन के चौथे मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा वाइकिंग स्टार्स वर्सेस त्रोतू सीसी के बीच मैच खेला जाएगा। मैच की टाइमिंग है 6 बजे, इंडियन टाइमिंग के अनुसार स्टार्ट होएगा। डेट है 20 मई 2024 आज ही की। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश के कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो एस्टोनियन नेशनल क्रिकेट एंड रग्बी फील्ड थाईलैंड में मैच खेले जा रहे हैं, तो आज का इसी वेन्यू पर है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो एक आर्टिफिशियल पिच है जिसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं होता, सेम रहती है बैटर और बॉलर के लिए। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 140 से लेकर 150 का बनता है। और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें इस सीजन में तो 37 मैच हो चुके हैं जिसमें से 16 मैच जीते हैं बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने और 21 मैच जीते हैं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने, यानी थोड़ा बहुत एडवांटेज है बैटिंग सेकंड वाली को। और आज के भी 2 मैच कंप्लीट हो चुके हैं तो दोनों के दोनों मैच चेजिंग करने वाली टीम जीती है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। पहली टीम त्रोतू सीसी का एक मैच आज के दिन में हो चुका है और दूसरी टीम है उसका एक मैच इस मैच से पहले होएगा, लाइव होएगा मतलब ये। ठीक है, तो इसमें भी जो बैटिंग ऑर्डर आया वो हमने सेट कर दिया और जो पहली टीम का एक मैच कंप्लीट हुआ है उसकी हमने परफॉर्मेंस लिख दी है कि कैसे प्लेयर ने कैसी परफॉर्मेंस करती है तो करिए। तो वीडियो का आप पूरा देखना बिना स्किप कर रहे ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाए। दिन के 5 मैच होते हैं तो हम 5ों को कवर करते हैं। एक मैच कंप्लीट होता है जैसे एक टीम का तो हम उसका स्कोरबोर्ड लिख के दूसरे मैच के समय उसका वीडियो बनाते हैं ताकि आपको एक अच्छी खासी टीम बनाने में हेल्प मिल हो सके। जैसे त्रोतू सीसी का अभी जस्ट मैच खत्म हुआ है, हमने उसका स्कोरबोर्ड और बॉलिंग लिख के और नया वीडियो बनाया ताकि आपको अच्छी खासी मदद हो सके। ठीक है, पहले बात करते हैं इस टीम की त्रोतू सीसी की, जिसने 6 मैच खेले हैं, 3 हारे और 3 जीती है। ठीक है, आज के दिन का पहला मैच ये हार चुकी है, बड़ी आसानी से 10 विकेट से हारी थी। ठीक है, लास्ट मैच जो खेला गया आज के दिन का उसमें जो परफॉर्मेंस करी है उसमें जो बैटिंग ऑर्डर आया था उसके हिसाब से ही प्लेयरों को सेट कर रखा है। तो ओपनिंग करने आया था जॉर्डन ओब्रायन, जिसने इस टूर्नामेंट के 6 मैच में 299 रन बनाए, 50 की एवरेज से 6 ओवरों की गेंदबाजी करवाई, 1 विकेट लिया। जो आज का पहला मैच हुआ उसमें मात्र 0 रन पर आउट हो चुका था। ठीक है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि इस टूर्नामेंट में जबरदस्त बैटिंग कर रहा है और इस मैच में आपको अच्छी पारी खेल के दे सकता है क्योंकि आज सामने थोड़ी वीक टीम है। पहले वाले मैच में जब 0 पर आउट हुआ तो थोड़ी अच्छी टीम थी, अच्छे बॉलर थे, लेकिन आज जो ये मैच है इसमें वीक टीम है तो वाइकिंग स्टार थोड़ी वीक है इस टीम के मुकाबले। इसलिए जेडन ओब्रायन को अपन सेलेक्ट भी करेंगे और कैप्टन वाइस कैप्टन भी बनाएंगे। उसके बाद इसका ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 25 मैच में 544 रन है, 21 की एवरेज से बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहा है इस टूर्नामेंट में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है निकोलस सेलोनेन, जिसने 6 मैच में 336 रन बनाए, 56 की एवरेज से 11 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 3 विकेट लिए। जो आज के दिन का पहला मैच हुआ उसमें इसने 76 रन की शानदार पारी खेली, साथ ही 2 ओवरों की कंप्लीट गेंदबाजी करवाई, इसलिए इस मैच में कैप्टन वाइस कैप्टनसी का डिफॉल्ट चॉइस है और इससे बेहतरीन ऑप्शन कोई है ही नहीं आज के मैच में। ठीक है, 94% इसका सिलेक्शन है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो 19 मैच में 181 रन, 30 ओवर की गेंदबाजी, 16 विकेट। उसके बाद है विशाल टर्की, जिसने 6 मैच में 15 रन बनाए, 10 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 5 विकेट लिए। नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहा, साथ ही आपको 2 ओवरों की कंप्लीट गेंदबाजी देगा। आज के दिन में भी इसने 1 ओवर की गेंदबाजी करवाई थी, दूसरा ओवर करवाने आया तो पहली गेंद पर इसके छक्का पड़ गया था और मैच खत्म हो गया। ठीक है, नहीं तो 2 ओवर करवाता। ओवरऑल रिकॉर्ड देखो तो 23 मैच में 312 रन है, 24 ओवर की गेंदबाजी, 16 विकेट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि नंबर 3 पर बल्लेबाजी कर रहा, साथ ही आपको बॉलिंग भी करवा के दे रहा है। ठीक है, इसके बाद है मार्थ तमुजा, जिसने आज के दिन में पहला मैच खेला जिसमें 10 रन की पारी खेली, साथ ही 1 ओवर की गेंदबाजी भी करवाई जिसमें विकेट लेस गया, लेकिन ये नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेगा, साथ ही आपको 2 ओवरों की गेंदबाजी देगा। आज के मैच में 5 ही ओवर हुए थे, पहले मैच में 5 ओवर में चेज खेला था सामने वाली टीम ने टारगेट, इसलिए इसको दूसरा ओवर नहीं मिला और पहले ओवर में यह पिट भी खूब ज़्यादा गया था, लेकिन सिलेक्शन कम है और इसकी टीम मजबूत है इसलिए अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन देखें तो 88% है। ठीक है, 18% है, इंपॉर्टेंट प्लेयर है। ठीक है, नंबर 4 पर बल्लेबाजी करेगा, साथ ही 1 ओवर भी डाल रहा तो भी अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद एक गुल साज, इसका ओवरऑल रिकॉर्ड बताता हूँ मार्क का क्योंकि पहला ही मैच है, तो इसने ओवरऑल क्लब के लिए 76 मैच खेले, 597 रन बनाए, 155 ओवरों की गेंदबाजी करी, 65 विकेट लिया, यानी ठीक ठाक बैटिंग कर सकता है, साथ ही आपको बॉलिंग भी कंफर्म देगा। उसके बाद है गुल साज, जिसने 6 मैच में मात्र 1 रन बनाया, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट। उसके बाद है जैस्विन शशिधरन, जिसने 4 मैच खेले, इस टूर्नामेंट में मात्र 8 रन बनाए, कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद एक कैसी कुलियन, जिसने 6 मैच में 13 रन, कुछ खास रिकॉर्ड इसका भी नहीं है, विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखेगा आपको। इसके बाद है इत्सा मुलक, जिसने 5 मैच खेले, इस टूर्नामेंट में मात्र 8 रन है। उसके बाद है राहुल पुरानी, जो आपको कंप्लीट 2 ओवरों की गेंदबाजी देगा, आज का भी जो पहला मैच हुआ था उसमें इसने गेंदबाजी करी थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन देखें तो 81% इसका सिलेक्शन है।
ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 29 मैच में 51 ओवर 18 विकेट, तो इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इसके बाद है मार्टिन हैफोर्ड, जिसने 3 मैच खेले इस टूर्नामेंट में। इस टीम के लिए अभी तक बैटिंग और बॉलिंग कुछ नहीं करी। ओवरऑल रिकॉर्ड 8 मैच में 25 रन 20 ओवर की गेंदबाजी 7 विकेट। लास्ट प्लेयर है पॉल विलियम, जिसने एक ही मैच खेला लास्ट वाला, जिसमें बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं करी। ओवरऑल रिकॉर्ड भी बहुत खराब है इसका, 4 मैच खेला है जिसमें 7 रन बनाए। ठीक है, अब इन सभी जो चेंज हुए वो तो हमने कर दिए। इसके अलावा इस मैच में कोई चेंज होएगा तो हम आपको टेलीग्राम पर उनके स्टेट्स प्रोवाइड करवा देंगे, इसीलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, ताकि इस मैच से रिलेटेड आपको दोनों टीमों के कोई नए प्लेयर खेले तो उसके स्टेट्स मिल जावे। ठीक है, बात करते हैं कुछ 5 प्लेयर इस टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट है। पांचों बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर रहे हैं, इसलिए अपन ने पांचों को सेलेक्ट कर लिया। बात करते हैं अपन दूसरी टीम की, वाइकिंग स्टार्स की। ठीक है, जिसने इस टूर्नामेंट में 6 मैच में से 6 के 6 मैच हारी है। ठीक है, बहुत वीक टीम है, सामने वाली टीम के मुकाबले कुछ भी एक भी मैच जीती नहीं है। लास्ट मैच जो खेला गया उसके हिसाब से हमने प्लेयरों को सेट कर रखा है, जो और इस मैच से पहले जो अभी इनों का एक मैच और है जो 4 बजे स्टार्ट होएगा, तो उसमें जो बैटिंग ऑर्डर आया और जो नए प्लेयर खेले वो हमने सेट कर दिए कि कौन नए प्लेयर आए और कौन से प्लेयर कैसी पोजीशन कर सकते और क्या बैटिंग ऑर्डर है। ठीक है, पहले बात करते हैं पहले प्लेयर रूपम भूरा की, जो इस टूर्नामेंट में ओपनिंग कर रहा है इस इनों की तरफ से। 6 मैच में 102 रन बनाए, 17 की एवरेज से 8 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, 1 विकेट लिया है, बढ़िया बैटिंग कर रहा है, साथ ही आपको बॉलिंग भी करवा के दे रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। सिलेक्शन देखे तो 85% है। इसके बाद सलमान खान, जिसने 6 मैच में 45 रन बनाए, 10 ओवरों की गेंदबाजी करी, 3 विकेट लिए, बॉलिंग करवा रहा है कंफर्म, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्शन भी देखे इस प्लेयर का सिलेक्शन है 83%, एक अच्छा प्लेयर है। ठीक है, इसके बाद है राणा रशीद, जिसने 6 मैच में 50 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, 5 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 1 विकेट लिया। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे क्लब का तो 84 मैच में 767 रन है, 152 ओवर की गेंदबाजी है, 71 विकेट लिए, और इस टूर्नामेंट से पहले इसने 3 T10 खेल रखे थे जिसमें 11 की एवरेज से 33 रन बनाए। ठीक है, तो इसको भी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि बल्लेबाजी अच्छी कर रहा है और इस मैच में बैटिंग आने की उम्मीद है इसकी। ठीक है, इसके बाद है नुमान सब्बीर, जिसने इस टूर्नामेंट के 6 मैच में मात्र 23 रन बनाए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे तो 60 मैच में 610 रन है, 12 की एवरेज से 64 ओवरों की गेंदबाजी, 27 विकेट है। उसके बाद है तौकीर रावन, जो अभी पहला मैच इस टीम का हो रहा है उसमें प्लेइंग 11 में है, इसलिए हमने और 4 पर मेंशन है इसलिए हमने इसका रिकॉर्ड लिख दिया। इस टूर्नामेंट में 2 मैच खेला है, 1 रन बनाया है, कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे 36 मैच में 198 रन है, 8 की एवरेज से। इसके बाद है जहूर अहमद, 3 मैच में 6 रन, 1 ओवर की गेंदबाजी, 0 विकेट। इसके बाद है नीलेश यादव, जो टूर्नामेंट में बॉलिंग करवा रहा है, लेकिन सामने वाली टीम मजबूत है और ये खाली बॉलिंग करवा रहा है, इसलिए अपन इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, भले इसका सिलेक्शन कितना भी हो, लेकिन अपन ऐसे प्लेयर को सेलेक्ट करेंगे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करे। ये खाली बॉलिंग करता है और अपन सामने वाली टीम के ओपनर को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएंगे, इसलिए अपन इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद है आवेश कुरनी, जिसने 1 मैच खेला, 0 रन बनाए, 1 ओवर की गेंदबाजी करी, 0 विकेट लिए। इसके बाद है साहिद हुसैन, 6 मैच में 2 रन, 7 ओवर की गेंदबाजी, 1 विकेट। ओवरऑल रिकॉर्ड देखे तो 20 मैच में 64 रन, 59 ओवर की गेंदबाजी, 24 विकेट। इसके बाद है सचिन चौहान, जिसने 3 मैच खेले हैं इस टूर्नामेंट में, 2 रन बनाए। ओवरऑल रिकॉर्ड देखोगे क्लब के लिए तो 8 मैच में 225 रन है, 28 की एवरेज से, 2 ओवर की गेंदबाजी, 0 विकेट। अगर यह प्लेयर ऊपर बैटिंग करता है तो इस टीम के लिए अच्छा कर सकता है, वरना ऐसा ही इसका परफॉर्मेंस रहेगा। लास्ट प्लेयर है हादी राजा, 6 मैच में 1 ओवर, 0 विकेट। ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो 26 मैच में 54 रन है, 40 ओवर की गेंदबाजी, 13 विकेट है। ठीक है, सभी प्लेयरों का स्टेट बता दिया जो अभी लास्ट मैच में प्लेइंग 11 में शामिल है। बेंच की बात करें, बेंच पर से इस टीम में से कोई भी प्लेयर खेलता तो सभी के स्टेट्स हमारे पास अवेलेबल है, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है, ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड दोनों टीमों की बैटिंग ऑर्डर, प्लेइंग 11, टॉस अपडेट और जो हमारी फाइनल टीम होती है वो आपको टेलीग्राम पर मिलती है। दोनों टीमों में से बेंच पर से भी कोई भी खेलेगा तो दोनों टीमों के स्टेट्स मिल जाएंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ना जरूरी है। ठीक है, बात करते हैं टीम की, जो 3-4 प्लेयर इंपॉर्टेंट थे, 1 प्लेयर बच रहा है विकेट कीपिंग सेक्शन से, तो फिलहाल के लिए अपन यहाँ से नुमान सबिनी TCC का विकेट कीपर लेंगे, क्योंकि विकेट गिरने के चांस ज़्यादा VKN के है। ठीक है, तो दूसरे टीम का विकेट कीपर लेंगे अपन कुलिंस, क्योंकि विकेट कीपिंग के अच्छे खासे पॉइंट दिला सकता है। और इसके अलावा अपन लेंगे यहाँ से T1, देखते कब बैटिंग, 1 नीलेश को ले लेते हैं ये डेमो टीम में। ठीक है, और यह खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम नहीं है। फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बॉलिंग सेक्शन से एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो बॉलिंग बैटिंग कर रहा हो, फिलहाल के लिए अपन ये ले लेते हैं, जो भी बॉलिंग बैटिंग करेगा अपन उसको सेलेक्ट करेंगे। कैप्टनसी की बात करें इस मैच में तो निकोलस सोलेनन अच्छा ऑप्शन है, वाइस कैप्टन जेरेड ओब्रायन, यह सेव रहेगी
और यही इससे बेहतरीन कैप्टन और वाइस कैप्टनसी का ऑप्शन नहीं है इस मैच में, ठीक है। और ग्रैंड लीग के लिए यह मैच सबसे बेहतरीन है आज के दिन का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करे, जो जो मैंने बोला है वो कॉम्बिनेशन ट्राई करके आप ग्रैंड लीग खेल सकते हो और अच्छी विनिंग कर सकते हो, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको इस टूर्नामेंट से रिलेटेड सारे वीडियो मिल जावे। दिन के 4-5 मैच होते हैं तो हम पाँचों को कवर करते हैं, पाँचों वीडियो बनाते हैं ताकि आपको अच्छी खासी टीम बनाने में हेल्प मिल सके। धन्यवाद।